बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही है बस, और ये मैंने स्पीड भी कर रखी है और जल्दी जल्दी मतलब पढ़ भी रही है मुझे यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे शाम का टाइम है, कुछ ऐसे ही 8 का टाइम होगा शायद, हाँ 8 या 7:45 का टाइम होगा, मैंने ठीक से टाइम देखा नहीं है। और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ रही है, खाना पीना मेरा बन चुका है और मैं सोच रही जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे जाना है कहीं इमरजेंसी में फटाफट, और रात को ही निकलना है और रात को पहुँचेंगे करीब यही 1:30 या 2 बजे। तो मैं ये बता दूंगी आपको आगे कहाँ कहाँ जाना है मुझे और अचानक क्यों जाना पड़ गया मुझे। अभी तो ठीक ठाक था सब कुछ और अचानक, हाँ जी अचानक हम जब भी जाते हैं, जब या फिर तो कोई बीमार हो या फिर तो कोई इमरजेंसी, कहते हैं ना इमरजेंसी के आप लोग समझते हो अच्छे तरीके से, तो बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। तो मैंने कहा पहले किचन वगैरह समेट दूँ, सबसे पहले किचन समेट के जाऊँगी, बच्चों को खाना खिला दिया है मैंने, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल खाने का बिल्कुल भी, पर लेकिन कहते हैं ना कि रात का सफ़र है और खाली पेट अगर जाएंगे तो उफकाई वगैरह आती है, तो मैंने कहा उल्टियाँ वगैरह ना हो जाए, इसीलिए मैंने कहा चलो एक पराठा मैंने खाया, वो भी ज़बरदस्ती खाया था, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये देखिए बस मैंने सूट डाला, पहले मैंने सोचा कि साड़ी पहन जाऊँगी कि, लेकिन रात का सफ़र है साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहन के जाऊँगी, क्योंकि अगर गैस बन गई ना पेट में तो पूरी रात ना तो नींद आएगी और दर्द होता रहेगा वो अलग। तो मैंने कहा चलो सूट डाल लें, रात में कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तो कहाँ जा रही हूँ मैं ये तो मैं आपको पता चल जाएगा, आपको ब्लॉग कंटिन्यू देखना आप लोग। और टाइम बता दो तो रात के भी 8:15 बज रहे हैं, ये देखो रात के 8:15 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए नोएडा के लिए, इमरजेंसी है इसलिए। और मेरे साथ यही होता है कभी भी जैसे कि प्लान बनाऊँ जाने का तो नहीं जा पाते, इमरजेंसी अचानक जाना होता है मेरे साथ, तो ये होता है। अब इमरजेंसी आप लोग समझ सकते हो अचानक का मतलब क्या है, या तो कोई बीमार है या फिर तो कोई ये होता है। तो मेरी नानी जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, बहुत बीमार है बहुत ज़्यादा, तो मैं वहीं जा रही हूँ, कोई पता नहीं है अभी तो फ़िलहाल, भगवान करे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। और जब मेरे नाना ख़त्म हुए थे पहले जब लॉकडाउन था तो मैं जा नहीं पाई, अब तो फ़िलहाल खुला हुआ भी है सब चीज़ ठीक है नॉर्मल है, लेकिन अब मैं जा सकती हूँ तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। केशव को लेकर जा रही हूँ, नकुल को लेकर नहीं जा रही क्योंकि नकुल जा भी नहीं रहा है, और मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद लौट कर ही आना है, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो, नहीं ठीक रहा तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। केशव को लेकर जा रही हूँ, पैकिंग हो चुकी है मेरी और सूट डाल लिया है, पैंट डाल ली है बस, और स्वेटर पहन लिया है मैंने क्योंकि रात का टाइम है तो ठंड बहुत लगने वाली है। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं ले जाऊंगी, अगर दिखा पाई तो मैं अपनी नानी को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है अगर दिखा पाई तो। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ सब चीज़, और नहीं रहा कुछ हो गई ऊंच नीच गड़बड़ी हो गई तो शायद ब्लॉग भी ना आ पाए। तो मैं तो जा रही हूँ, स्टॉल निकाल ली है मैंने, और मैं किसके साथ जा रही हूँ ये भी बता दूँ, यहाँ से तो मैं अकेले ही जा रही हूँ लेकिन रास्ते में कुछ बस स्टैंड पे ये जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, और इटावा से आ रहे हैं मेरे मौसी मौसा, तो उनके साथ जाऊंगी मैं, मतलब साथ भी हो जाएगा और अकेले नहीं जा पाती, रात का सफ़र है तो मैं वैसे भी नहीं जाती अकेले, डर लगता है हर चीज़ का डर होता है देखो, और अकेले का टाइम तो आप सब समझ सकते हो क्योंकि ज़माना नहीं है अकेला कहीं जाने का, तो इसलिए नहीं जा सकती। तो टाइम तो मैंने बता चुकी है आपको, और आज बता दूँ तो दिन क्या है, बृहस्पतिवार, इमरजेंसी बस जाना नहीं चाहिए था, बृहस्पतिवार को कहते हैं कोई बीमार हो तो कहीं जाते नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी हो ना और कोई अपना इंसान हो ज़्यादा सीरियस हालात हो तो उसमें फिर टाइम नहीं देखा जाता, दिन नहीं देखा जाता कि क्या है क्या नहीं है, फिर भागना पड़ता है, बस ऐसा लगता है उड़ के पहुँच जाओ भाग जाओ फिर तो ये लगता है फिर तो। तो मैंने कहा चलो और आपके साथ शेयर करूंगी मैं जो कुछ होगा, नहीं तो फिर वहाँ पर, और कल आज तो है बृहस्पतिवार, शुक्रवार का वीडियो भी इसमें ऐड होगा जो कि मेरा मायके का होगा नोएडा का, तो देखते हैं कहाँ पर कंटिन्यू होता है इसका, कहाँ पर एंड होता है ये मुझे भी नहीं पता कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, तो चलिए फिर चलते हैं, बस आने वाली होंगी अभी, उनका फ़ोन आता ही होगा, फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। और ये जा चुके हैं, ये जा रहे हैं, आपको सामने दिख रहा होगा कि ऑटो लेने जा रहे हैं, मैं घर से निकल चुकी हूँ, घर के बाहर ही खड़ी हूँ पीछे रोड पर, और ये हमारे घर के सामने वाला जो है नगर निगम स्कूल है सरकारी,
तो बहुत अच्छी पेंटिंग बन भी रही है। और यहाँ पे हम खड़े थे वाटर बकस के लिए, बस के लिए, वाटर बकस पे, और बस का इतना इंतज़ार किया कम से कम 1.5 से 2 घंटे, लेकिन बस बिल्कुल नहीं मिली। फिर हमें बस स्टैंड ही जाना पड़ा, पर लेकिन कहते हैं जल्दी में देर ज़रूर होती है। और यहाँ पे मैं अपनी नानी के पास आ चुकी हूँ। इतनी बुरी हालत थी ना, इतनी बहुत ज़्यादा कि देखा भी नहीं जा रहा था, और पूरा जानवरों की तरह बांध के रखा था, पता है। डॉक्टरों ने हाथ पैर दोनों बांध दिए थे, क्योंकि वो हाथ पैर इस तरीके से फेंक रही थी, आपको अभी लगेगा, तो उन्होंने मजबूरन बांधना पड़ा। बताओ, खड़े खड़े देखना पड़ रहा है, बताओ, इतनी बुरी हालत है उनकी कि कुछ चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि जब सुख मिलता है तो दुख भी मिलना ही है, हमी को कहीं नहीं जाना वो तो। और ये मेरी मौसी हैं, तो मेरी नानी की लड़की, तो आप समझ सकते हो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। और इनका देख, मतलब जो मेरी नानी है ना इस तरीके से है, उन पर बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, बस वो रो ही जा रही थी, रोने के अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। बस सबसे बड़ी परेशानी और यही थी। वो अपनी माँ को इस हालत में बिल्कुल नहीं दे सकती। वो क्या, हर लड़की अपनी माँ को नहीं दे सकती इस हालत में। माँ बेटी का रिश्ता एक अलग होता है, और इसलिए होता है कि देखो, माँ समझती है बेटी की परेशानी, बेटी समझती है माँ की परेशानी कि क्या बीतती है उस पर। सबसे ज़्यादा माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, मेरी भी माँ है, तो हम दोनों का मतलब एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब उन्हें कोई भी परेशानी हो जाए, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के उन्हीं के पास आ जाऊँ। इस वक्त मेरी मौसी का हाल था कि वो अपने मतलब बच्चों को भी छोड़कर, सारा काम वाम छोड़कर रात में ही निकल गई। बताओ, अब उनके साथ ही आई हूँ मैं भी, अकेले नहीं आ पाती। तो एक ये होता है कि देखो, एक कहते हैं ना कि माँ को कोई परेशानी हो, माँ बाप को या फिर भाई भाई को कोई परेशानी हो, तो सबसे पहले भागती है लड़कियाँ। सबसे पहले उन्हें ये लगता है कि हम पहुँच जाए वहाँ पर, हम हो उनके पास, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, भले हम कुछ ना कर पाए, फिर भी लगता है ना मन को कि बस सामने होना चाहिए। तो यही हालत थी उनकी भी, मेरी नानी की भी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है सच में। बस ये दुआ कर रहे हैं, या तो फिर उनको बिल्कुल भगवान बिल्कुल ठीक कर दे, या तो बस कल्याण कर दे उनका, क्योंकि इस हालत में देखा नहीं जाता मुझसे तो भाई बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। सच बताऊँ तो मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, और इतने चक्कर आ रहे हैं ना, इतना सर में दर्द, इतना कमर में दर्द, क्योंकि हमने सुबह के हम सुबह के 3 बजे आ गए थे, मैं रात को इधर भी नहीं दिख रहा, मैं रात को 3 बजे आ गई थी। 3 बजे से वहाँ पर हॉस्पिटल में ना बैठने की ना उठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं था, तो बस खड़े ही खड़े थे रात के 3 बजे से सुबह के 10:30 बजे तक। तो मैं ना फिर मैं घर पे आ गई, मैं यहाँ पर मम्मी के पास आ गई हूँ। मैंने कहा यहाँ पे नहाना धोना होगा, नहा धोकर थोड़ा चाय नाश्ता करके आराम करके लेट जाएंगे, तब जाके कल जाना होगा। तो मैंने कहा पहले इस वीडियो का कंटिन्यू कर दूँ, इसका पूरा एंड कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हालत है, कैसी है। तो मुझे सच में, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत है, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा सच में। अब मैं वीडियो भी देखती हूँ ना बार बार, रोना आता है बहुत ज़्यादा। मैंने तो वीडियो इंस्टाग्राम पर भी मतलब शेयर की है, मैंने ये सोच के शेयर कर दी थी कि बाई चांस अगर इनको कुछ हो जाए तो एक याद तो रहेगी कि ना, नाना के टाइम पे मैं आ नहीं पाई थी, सच बताऊँ उस टाइम पे लॉकडाउन था, अब आ गई। दौज को देखो कितने दिन हुए, अभी दौज को मैं आई नहीं, मैंने आपको बताया था कि दौज को मैं आ नहीं पाई, मुश्किल से 5 दिन बाद देखो आना हुआ। बताओ, नानी ने इस तरीके से बुलाया मुझे कि सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा, अचानक हुआ सब कुछ, सब कुछ अचानक हुआ है। एक ऐसा होता है कि इंसान पहले से बीमार होता है तो उसकी थोड़ी ये लगता है कि ये बंदा तो पहले से बीमार था, लेकिन अचानक हो जाए तो उसका थोड़ा ये लगता है कि यार अचानक बंदा कैसे बीमार हो जाएगा, कि सब ये खेल रहा है, मम्मी नीचे तहाड़ी बना रही हैं क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है इस टाइम पे, क्योंकि कहते हैं ना टेंशन सबसे ज़्यादा वो होती है, एक टेंशन, एक इधर भागा दौड़ी जो होती है वो मारे लेती है सबसे ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने कहा तहाड़ी वगैरह बना लेते, हल्का खाना भी हो जाएगा, और तुम भी बीमार हो, मेरी भी हालत ऐसी हो रही है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो,
तो चलिए फिर। और गेट जो है टूट गया है, अभी मिस्त्री आया था गेट सही करने के लिए, तो गेट सही हो गया ही अभी, क्योंकि इसमें रहता है किराएदार, तो गेट तो सही होना होना ही है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ। देखते हैं कहाँ से बना पाऊँगी, क्या होता है, घर जाना कब होगा, मैं आपको सब चीज़ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।